एडॉप्टेशन एपिसोड नंबर 2 में वेलकम करते हैं आप लोगों का। जी हाँ, जैसे कि न्यू ऑडियो फाइल पे मैंने क्लिक किया और इधर आपको सेटिंग करके बताना है क्या इस सेटिंग में क्या आप कर सकते हैं, सेटिंग करने में क्या क्या लेकिन मुश्किल भी है और क्यों करनी चाहिए ये सेटिंग। ये सेटिंग इसलिए करनी चाहिए जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है कि आपकी आवाज़ जो है 44 से लेकर 48 तक जो है वो आपकी आवाज़ अच्छी रहेगी। इसके अंदर सैंपल रेट जो है वो आपने 44 से 48 तक रखना है और ये स्टेरो और मोनो जो है ये बेसिकली पहले यूज़ होता था मोनो, अब वो यूज़ हो रहा है स्टेरो। ये पहले कह रहे कि एक दफ़ा ही ऑडियो आप बनाते थे तो वो सुनी जा सकती, अब जो है लैदा लैदा टू पार्ट ऑडियो कहते हैं, लेफ्ट के लिए लेफ्ट जो है कान के लिए लैदा है, राइट कान के लिए लैदा, उसकी सेटिंग कर सकते हैं आप लोग। और ये बीट्स 16:16 जो है इसलिए रखी हुई है कि बार दफ़ा जो है 32 जो है बिट वो बस सिस्टम जो है उस पर नहीं चलती, तो इसलिए ये 16 जो है वो तमाम सिस्टम पे चल जाती है, तो इसलिए इसको 16 रखा हुआ है। चलें, और इसके अलावा आज आपको हम बताएंगे कि आप लोगों ने अपनी ऑडियो की नॉइस रिडक्शन जो है नॉइस कैसे आप लोगों ने ख़त्म करनी है, उसका कौन सा तरीका है, वो किधर से आप लोगों ने ख़त्म करनी है। चलें, आपको एक दफ़ा इसमें जो शोर है वो भी सुना देते हैं कि ये शोर कैसा है। मैंने पहले जैसे कि जिक्र किया था आपके पखे की आवाज़ और एक्स्ट्रा शोर जो आपकी ऑडियो के अंदर आ जाता है, माउस की जो क्लिक का वो आवाज़ और भी कोई भी बटन आप क्लिक करते हैं उसका आवाज़ इसके अंदर आपकी ऑडियो के अंदर आ जाता है, वो कैसे ख़त्म करना है आप लोगों ने वो इस वीडियो में बताऊंगा। चले और एक दफ़ा प्ले करके बता देता हूँ कि ये शोर किस किस्म का है और इसको कैसे ख़त्म करना है। ये देखें, आप लोगों ने सुना होगा कि ये किस तरह का शोर आ रहा है, ये कैसे ख़त्म करना है आप लोगों ने। ये जैसे कि मैंने इसको कैप्चर कर लिया है, अभी कैप्चर करने के बाद पहले नॉर्मलाइज करना है आप लोगों ने, सारे को सिलेक्ट करना है, फिलहाल डबल क्लिक के साथ भी कर सकते हैं, वैसे भी सिलेक्ट करके आप लोग उसको कर सकते हैं जितना आपने करना है। नॉर्मलाइज पे क्लिक किया हम लोगों ने, ये नॉर्मलाइज हो चुका है। अब जो है सेलेक्ट कर लेंगे जिधर से शोर है आपको सुनाई दे रहा है वो सारा आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने नॉइस रिडक्शन पे आना है, कैप्चर नॉइस पे क्लिक करना है। जैसे कि हमने इसका सैंपल ले लिया है, अब दोबारा सारा सेलेक्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद आपने दोबारा नॉइस रिडक्शन पे आके नॉइस रिडक्शन करना है इसको, और इधर आके आपने सेटिंग करनी है जैसे कि मैंने ऑलरेडी सेटिंग कर दी है। आपने 18 पे इसकी सेटिंग करनी है और ये 15 पे होना है। ये जब इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो आपका शोर नॉइस जो है वो ख़त्म नहीं होगा। और जो है ये एडवांस पे जैसे कि इधर भी मैंने पहले ऑलरेडी सेटिंग की हुई है इसकी, तो दोबारा आपने अगर आपके पास आपने इधर से कैसे सेटिंग करनी है, इधर कोई भी लिखा हो उधर आपने ज़ीरो लिख देना है। और एक दफ़ा आपको चेक भी करा देता हूँ इधर प्रीव्यू करके, हार और जीत तो अपने अंदर बची है, मान लो तो हार। ये देखें, शोर भी काफ़ी सारा ख़त्म हो चुका है यार, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। जी हाँ, अब एक दफ़ा आपको मैं सुना देता हूँ, हार और जीत तो अपने अंदर बची है, मान लो तो हार, मान लो तो जीत। और ये देखेंगे जैसे कि
ये क्लिक का जो है आवाज़ इसने कैप्चर की है, मैंने क्लिक किया था, ये आप लोगों ने कैसे करना है। और आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद साइलेंस पे आना है, साइलेंस करना है आप लोगों ने, और ये ख़त्म हो जाएगा जो आपने क्लिक किया। अब जो है हम लोग एम्पलीट्यूड पे आएंगे और डायनेमिक्स पे क्लिक करेंगे, और जैसे कि मैंने इधर भी पिछली वीडियो में बताया था ये आप कैसे सेटिंग करनी है। बाज़ दफ़ा किसी की आवाज़ थोड़ी हल्की होती है, बाज़ किसी की भारी होती है, वो आप अपनी आवाज़ पे जो है मद्देनज़र रख के उसको सेटिंग इसकी कर सकते हैं आप लोग। तो जैसे कि मैंने पहले से सेटिंग की हुई है, ये हम अप्लाई करेंगे इसको और आप दोबारा आवाज़ सुनेंगे। हार और जीत तो अपने अंदर बची है, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। जी हाँ, जैसे कि ये मुझे शोर नज़र आ रहा है इधर, राइट क्लिक करके साइलेंस करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। और आपने शुरू में आपकी रिकॉर्डिंग है जो उसमें इस तरह का 10-20 मिनट का जो है वक्फा रखना है कि जब भी आप स्टार्ट करें रिकॉर्डिंग तो 10-20 मिनट सेकंड जो है सॉरी वो आप लोगों ने छोड़ देना है, जो भी नॉइस हो वो कि एक दफ़ा कैच कर ले, ताकि आपको सेट जब आप ऑडियो को इनहेंस करें तो मुश्किल पेश ना आए। अभी हम इसको डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो गया, ये एक्स्ट्रा था हमारे पास कैप्चर किया हुआ था। और जैसे कि ये आपको ये कह लेंगे ये आवाज़ जो है इधर से ज़्यादा कैसे करनी है, आप लोगों ने एक दफ़ा सारे को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखें, आवाज़ भी ज़्यादा हो जाएगी ये। हार और जीत तो अपने अंदर बची है, मान लो तो हार। ये देखें ज़्यादा आवाज़ काट गई है, लेकिन जो है आवाज़ हमारी फटना शुरू हो गई है, इसको कम कर देते हैं। ये दोबारा आपको सुना देते हैं। हार और जीत तो अपने अंदर बची है, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। जी हाँ, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों जो है कैसी वीडियो लगी, और हमें सपोर्ट भी करें ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियो लेकर आए आप लोगों के लिए।